हेलो, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत। गाइडेंस प्रोग्राम में हमने बताया था, एक रूपरेखा हमने प्रस्तुत की थी अपने पहले वीडियो में कि हम गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या क्या चीजें करने जा रहे हैं। आज हम गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत जो एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी उसको हम यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हमने सामान्य अध्ययन के पेपर 1 में पहला सब्जेक्ट इतिहास यहाँ पर लिया है। आज हम समझेंगे इतिहास विषय को जब आप सामान्य अध्ययन यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पर कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। क्या आपको अपने विषय वस्तु की जानकारी है? क्या आपको ये पता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो किस पोर्शन से आते हैं हिस्ट्री में, और आपको इसे किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। हमने कहा था कि जब भी आप किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करने जाते हैं वहां पर सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो है कि आपको सिलेबस की सही जानकारी होना। सिलेबस की सही जानकारी होने के तात्पर्य इससे है कि आपको पढ़ना कैसे। सिलेबस ये बताता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट पहलू है। इस परीक्षा में हम आपसे जानना क्या चाहते हैं, और आपको भी सिर्फ वही चीजें वहां पर पढ़नी चाहिए क्योंकि वो क्वेश्चन भी पर्टिकुलर उन्हीं पोर्शन से पूछते हैं। दूसरा, जब हम क्वेश्चन की बात आती है तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा इसको जानने के लिए हम कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें। जब भी मैं वर्कशॉप क्लास लेता हूं, मेरी वर्कशॉप क्लासेस भी आपको चैनल पर उपलब्ध हैं, तो वर्कशॉप क्लास में हम दो चीज कहते हैं कि यदि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है यूपीएससी की, दो चीज करके हमेशा, बाकी आपको कोई चीज जानकारी नहीं है वो हम उपलब्ध करा देंगे, लेकिन दो चीज अगर आप स्वयं कर लेते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत अच्छा होता है। पहला, सिलेबस को अच्छे से जान लें, समझ लें, और कह सकता हूं कि दूसरी जो चीज होती है वो है उस सिलेबस से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी संदर्भ में हम यहां पर आज चर्चा करेंगे। पेपर को देखेंगे, पेपर में जो इतिहास का सब्जेक्ट है उसकी चर्चा करेंगे, इतिहास के विषय वस्तु से परिचित होंगे, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पर्टिकुलर टॉपिक से वो कहां पर कितने क्वेश्चन पूछे गए। तीसरी जो चीज में हम चर्चा करेंगे, क्वेश्चन पूछने की प्रकृति कैसी है। चौथा, कि यहां पर आप इसको कवर कैसे कर सकते हैं, अर्थात आपको पढ़ने का स्रोत क्या हो, जो आपके पास पढ़ने का स्रोत है वो किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, अर्थात इतिहास सब्जेक्ट को आप किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे सामान्य अध्ययन के लिए, तैयारी किस तरीके से करेंगे ताकि आप वहां पर इतिहास की अच्छी जानकारी हो सके। इसके अतिरिक्त समय का प्रबंधन के बारे में, अर्थात इतिहास जब आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर प्री और मेंस के जो सब्जेक्ट आएंगे, प्री और मेंस का जो एग्जाम आएगा तो वहां पर आप कितना समय देंगे, प्री के सब्जेक्ट में कौन से पार्ट को पढ़ना है प्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से पार्ट को पढ़ना है मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी हमें विश्लेषण करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। तो कई सारी चीजों की बहुत ही यहाँ पर एक मैं कहूंगा बहुत सूक्ष्म जानकारी मैं लेकर आया हूँ जो आपकी लाइफ को, आपके पढ़ने के तरीके को बदल के रख देगा, आपके एग्जाम प्रिपरेशन के मोड को बदल के रख देगा, और ये एक गाइडेंस प्रोग्राम आपकी पूरी की पूरी सामान्य अध्ययन से संबंधित समस्याओं को पूरी तरह से हल कर देगा। इसलिए हम इस विषय वस्तु में इन सारी चीजों की चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं सबसे पहले इतिहास विषय के बारे में। देखिए, इतिहास विषय अपने आप में एक कह सकते हैं सबसे एक विशाल सब्जेक्ट है, विशाल कह सकते हैं कि इसकी विषय वस्तु है। इतिहास अपने आप में पाषाण काल की स्थितियों से प्रारंभ होते हुए वर्तमान तक की स्थितियों से जुड़ा हुआ है, और इतने बड़े समय काल की स्थिति को पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारा समय होना चाहिए। लेकिन क्या इतना समय आपके प्रिपरेशन के लिए होता है? क्या इतने समय में प्री मेंस के लिए वहां पर इसको तैयार किया जा सकता है, या फिर सिलेबस कुछ और चीजें कहता है? तो सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे। सिलेबस में यदि आप यहाँ पर आप सभी बेसिकली मैंने यहाँ पर सिलेबस को लिखा हुआ है, लेकिन गाइडेंस प्रोग्राम को देखते हुए आप सभी के पास यूपीएससी का सिलेबस जरूर होना चाहिए। नहीं है तो उसे डाउनलोड कर लीजिए, यूपीएससी के वेबसाइट पर जाइए वहां पर उपलब्ध है, या आप गूगल पर भी सर्च कर देंगे तो वहां पर भी आपको ये उपलब्धता मिल जाएगी। तो वहां पर जब आप यूपीएससी का सामान्य अध्ययन का पेपर देखेंगे, सामान्य अध्ययन में जो आपका सबसे पहले जो चार पांच पांच लाइनें हैं वो आपके इतिहास विषय की जो होती है सिलेबस को डिफाइन करता है। क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहला जो लाइन वहां पर आपको देखने को मिलेगी, कला एवं संस्कृति। भारतीय संस्कृति से संबंधित विभिन्न कलाएं, शैल कृतियां, विषय इत्यादि से संबंधित साहित्य का वहां पर प्राचीन से वर्तमान समय तक की स्थितियों के अनुसार अध्ययन किया जाए। तो यहां पर जब हम कला और संस्कृति को पढ़ते हैं तो कला और संस्कृति को हमें प्राचीन भारत से उठाना है और आधुनिक भारत तक पढ़ना है। इस दौरान हमें कला और संस्कृति के अंतर्गत
विभिन्न प्रकार की शैलियों को पढ़ना है, जिसमें स्थापत्य शैली हो गई, वास्तुकला शैली हो गई, चित्रकला हो गई, और इसके अलावा कई अन्य प्रकार की वहां पर स्थितियों की हम चर्चा करते हैं, जिसमें सिक्के भी हो गए, व्यवस्थाएं हर तरीके की हो गई, संचालन हो गया, ऐसी कई सारी चीजें, त्योहार हो गए, मेले हो गए, आयोजन हो गए, ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। कला एवं संस्कृति करंट का भी एक अच्छा पहलू है, जहां पर लगातार कुछ न कुछ चीजें अपडेट होती रहती हैं। भारत सरकार के द्वारा तरह तरह के इसमें आयोजन किए जाते हैं, भारत के विभिन्न देशों में किसी न किसी तरह के आयोजन, सांस्कृतिक मेले, त्योहार आयोजित चीजों का आयोजन होता रहता है, उत्खनन इत्यादि कहीं हो रहा होता है, कुछ प्रकार के सिक्के इत्यादि चीजें मिलते रहते हैं, जिसके कारण वो चर्चा का एक विषय रहता है। कला एवं संस्कृति अपने आप में इतिहास का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको यहाँ पर प्राचीन से आधुनिक भारत तक हमें पढ़ना होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर प्री में और मेंस में कितना इंपॉर्टेंस रहता है, तो इसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैंने 5 साल का यहाँ पर विश्लेषण किया, और मैंने पाया कि 2015 से 2019 के दौरान कला एवं संस्कृति से जो क्वेश्चन आए हैं उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। 2015 में पहले प्री की बात करते हैं, फिर मेंस की चर्चा करेंगे। प्री में जो क्वेश्चन आए हैं, 2015 में आर्ट एंड कल्चर से 3 क्वेश्चन था, 2016 में 2 क्वेश्चन है, 2017 में 4 क्वेश्चन है, 2018 में 6 क्वेश्चन है, और 2019 में 3 क्वेश्चन है। तो अगर हम एवरेज भी मानकर चलते हैं तो ये करीब जाकर 3 का एवरेज बैठता है आर्ट एंड कल्चर से प्री में 3 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, मेंस में कितना इंपॉर्टेंस रखता है, मेंस में भी अगर हम देखें तो आर्ट एंड कल्चर का 2015 में 2, 16 में भी 2, 17, 18 और 19 में 1 क्वेश्चन आता है, अर्थात 1 क्वेश्चन तो कंपलसरी है, आना ही आना है, और मैक्सिमम कितने पूछे जा सकते हैं, अभी तक सिर्फ 2 पूछे गए हैं। तो यदि हिस्ट्री का बेसिकली ओवरऑल जो एवरेज बनता है वो 7 क्वेश्चन का बनता है। मैंने यहाँ पर देखा है कि मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेंस में हिस्ट्री से 2015, 16 और 17 में 7-7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2018 और 19 में 6-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यदि आप मानकर चले हिस्ट्री के 6 पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं और उस 1 पार्ट से क्वेश्चन आता कंपलसरी है, तो वहां पर हमारी एक रणनीति होनी चाहिए कि किस तरीके से वहां पर आता है। दूसरा, आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन किस पार्ट से पूछे जाते हैं, तो मैंने जो वहां पर इसको तो नहीं लिखना है, क्योंकि वहां पर अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन है तो सबको लिखा नहीं जा सकता है। इसके लिए हम एक अलग वीडियो सीरीज बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं मेंस आंसर राइटिंग सीरीज। मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के माध्यम से मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर पिछले 5 साल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी के सामान्य अध्ययन का, उन सभी का विश्लेषण लेकर आऊंगा, साथ ही उनकी आंसर राइटिंग भी कराऊंगा, जिसके माध्यम से हम समझ सकेंगे कि आंसर राइटिंग करते समय हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस पार्ट से आ रहे हैं और पूछने का तरीका कैसा उनका होता है, उनका एक विश्लेषण भी करेंगे, साथ ही वहां पर उसके आंसर राइटिंग की प्रक्रिया को भी हम समझेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसे जो क्वेश्चन लिखे उसको मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो हमने ये देखिए आर्ट एंड कल्चर पूछा क्या जाता है, कितने क्वेश्चन प्री में आते हैं और कितने क्वेश्चन मेंस में आते हैं, क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है, एक रूपरेखा पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अगले पार्ट पर जाते हैं। दूसरी जो लाइन वहां पर आपको यूपीएससी के सिलेबस में देखने को मिलती है कि 18वीं सदी के मध्य से आधुनिक भारत तक के इतिहास के में विभिन्न व्यक्तित्व, घटनाएं एवं विषयों की चर्चा करेंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जैसे कि मान लेते हैं अंबेडकर हो गए, गांधी हो गए, नेहरू हो गए, राजा राममोहन राय हो गए, तो ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व। दूसरा, विषय हो गए, विषय जैसे कि महिला हो गई, शिक्षा हो गया, कानून व्यवस्था हो गई। तीसरा, घटनाएं, घटनाएं जैसे कि विभिन्न प्रकार की कह सकते हैं कोई आंदोलन हो गया, किसी प्रकार का घटना हो गया, कोई सोल्ट हो गया, कोई कानून लेकर आ गया, तो इस तरह की कोई महत्वपूर्ण घटना जिसने भारत की स्थिति में या भारतीय इतिहास में कोई परिवर्तन लेकर आ रहा हो, जिसमें नई तरह की चीजें लेकर आई हैं, तो इससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। हमने यहाँ पर एक चीज देखिएगा, कला एवं संस्कृति बात सीधे वे 18वीं सदी से एंटर कर जाते हैं, वहां पर प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की स्थितियों का वहां पर कोई डिटेलिंग नहीं करते हैं, अर्थात प्राचीन और मध्यकालीन से क्या क्वेश्चन आते हैं और क्या पढ़ना भी चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, उसकी मैं सबसे लास्ट में चर्चा करूंगा, और कैसे करना चाहिए वो भी बताएंगे। लेकिन जो आपका विषय वस्तु कहता है, वहां पर प्राचीन और मध्यकालीन भारत जैसी स्थितियों का कोई अलग से विश्लेषण नहीं किया गया है। एक चीज ये स्पष्ट कर लीजिए कि आपके विषय वस्तु में प्राचीन और मध्यकालीन भारत नहीं है, सीधे कला और संस्कृति के पश्चात सीधे आपका आधुनिक भारत प्रारंभ हो जाता है। हमने यहाँ पर देखा सिलेबस की दूसरी लाइन का मतलब क्या है और यहाँ पर क्या क्या पूछा जाता है। अब देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं।
सबसे पहले प्री की मैं बात करता हूं। प्री में इस पोर्शन से 2015 में 5, 16 में 4, 17 में 4, 18 में 11 और 19 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, जबकि 2015 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए इस पार्ट में 2015 में 1, 16 में 2, 17 में 5, 18 में 3 और 19 में 3। तो अपने आप में आधुनिक भारत जो है वहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके टोटल हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन है। जैसे मैंने पहले भी कहा मेंस में 7 क्वेश्चन है, 7 से 6 7 क्वेश्चन ही आते हैं, और 7 और 6 क्वेश्चन अगर हम देखें यहां करीब 3-3 क्वेश्चन पूछे आए, अर्थात आधा जो पार्ट का क्वेश्चन आता है वो सिर्फ आधुनिक भारत से ही आता है। तो इसलिए जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे तो वहां पर आधुनिक भारत पर बहुत फोकस करें। प्री में भी क्वेश्चन देखें तो ऑन एन एवरेज 4-5 से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यदि आपके हिस्ट्री की मैं बात करूं जो एक एवरेज क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने देखा है कि 2015 में 12, 2016 में 14, 2017 में अगेन 12, 2018 में करीब 18 से 20 और 2019 में भी करीब 15 से 17 क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री से पूछे गए। और इसमें भी यदि आप 4 से 5 क्वेश्चन निकाल देते हैं तो 25-30% जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ आपके आधुनिक इस पॉइंट से आते हैं। इसी पार्ट में एक और है स्वतंत्रता संग्राम को उन्होंने अलग से व्याख्यात किया है, इसके अंतर्गत तीसरा ये पार्ट आता है हिस्ट्री का। स्वतंत्रता संग्राम अपने आप में विभिन्न प्रकार के जो कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के लिए जो भी आंदोलन हुए उससे संबंधित है, और इंडिपेंडेंस से संबंधित जो भी असहयोग आंदोलन हुए, स्वतंत्रता संग्राम हो गया या फिर आपको गांधी जी के द्वारा अन्य जो आंदोलन वहां पर किए गए, कई अन्य चीजें हो गई, तो वहां पर उससे संबंधित जो भी आंदोलन वहां पर हुए उससे संबंधित क्वेश्चन आता है, और वो भी एक तरीके से देखा जाए तो आधुनिक भारत का ही पार्ट है। तो अगर दोनों का सम्मिलित स्वरूप भी देखें तो वहां पर ये और भी बड़ा हो जाता है, लेकिन अलग से व्याख्या उन्होंने की है इसलिए हमने भी इसे अलग से यहाँ पर रखा हुआ है। चलिए देखते हैं प्री और मेंस में इस पार्ट से क्वेश्चन क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं प्री की बात करूं तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन 2015 में आए हैं, 16 17 18 एक एक क्वेश्चन है और 19 में यहाँ पर 4 क्वेश्चन आए हैं। जबकि अगर मेंस की बात की जाए तो यहाँ पर 2015-16 में 1-1, 17 में 2, 18-19 में 1-1 क्वेश्चन आया है। तो अपने आप में अगर हम देखें तो इस पार्ट से भी यहाँ पर रेगुलर क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, कम से कम एक क्वेश्चन मेंस में और कम से कम ऑन एन एवरेज 2-1 या 2 क्वेश्चन वहां पर आपको प्री में आता ही आता है। अगर हम आधुनिक भारत को दोनों को मिलाकर देखें तो ये आपके हिस्ट्री का करीब 50-60% यहाँ पर बैठता है प्री और मेंस का मिलाकर। इस लिहाज से आधुनिक भारत सामान्य अध्ययन के अभ्यर्थियों के लिए, खासकर यूपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए, उनके सिलेबस के हिसाब से वहां पर 40-50% बैठता है और वहां पर आपको सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, ना सिर्फ आपके मेंस के लिए बल्कि यहां पर आपके प्री के लिए भी। यहां पर ये चीज हमने देख ली, 3 पार्ट हमने यहां पर कंप्लीट किया। चौथा पार्ट यहां पर आता है कि स्वतंत्रता के पश्चात का भारत, अर्थात 1947 से लेकर के 1991 तक के जो उदारीकरण की स्थितियां हमने देखी हैं, इस दौरान की जो स्थिति रही है वहां पर क्या क्या, वहां पर आधुनिक इतिहास से क्या क्वेश्चन बनते हैं। प्री की अगर हम देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर बेसिकली 2015 से 2018 तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन 2019 में यहाँ पर उन्होंने 2 क्वेश्चन जरूर पूछे हैं। इसी तरह मेंस की अगर हम बात करते हैं तो मेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पर जरूरी यही कि स्वतंत्रता के पश्चात भाषा क्वेश्चन बनते हो, यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं 15-16 में 1-1 क्वेश्चन आया था, 17 में उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, 18 फिर 1 क्वेश्चन पूछा, 19 में वहां पर फिर से क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो यहाँ पर 0 या 1 अर्थात पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है। प्रिपरेशन करने को लेकर हम इसको कर सकते हैं क्योंकि छोटा सा पोर्शन है, 10 से 15 दिन का यदि आप समय देते हैं या एक हफ्ते का भी मैं कहता हूं बहुत है टाइम, एक हफ्ते का समय देकर आप स्वतंत्रता पश्चात का भारत को वहां पर कवर अप कर सकते हैं, वो भी आपको प्री में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मेंस में आप इसे पढ़कर जाइए सिर्फ, तो यहां पर आपकी स्ट्रेटजी होगी जो बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आता है विश्व इतिहास। विश्व इतिहास की अगर हम बात करें तो ये प्री का क्वेश्चन नहीं भी नहीं है, तो प्री में यहां पर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर 2015-19 से पिछले 5 साल में हर साल सिर्फ 1 क्वेश्चन यहां पर विश्व इतिहास से पूछा जाता है। तो यहां पर आपका जो सिलेबस कहता है यही 5 चीजें कहता है, जहां पर आर्ट एंड कल्चर, 18वीं सदी से वर्तमान तक के व्यक्तित्व घटनाएं विषय, स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता के पश्चात भारत और विश्व इतिहास, ये 5 लाइनें हैं जो आपके यूपीएससी के सिलेबस में लिखी गई हैं, शब्दशः यही लिखा गया है, यहां पर इसके आगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया है। और पिछले 5 साल का क्वेश्चन का यदि विश्लेषण भी करते हैं तो क्वेश्चन भी इसी पार्ट से आए। हाँ, अब बात आती है एट द लास्ट कि यहाँ पर सिर्फ प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत फिर यूपीएससी के लिए हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, और अगर पढ़ना है तो क्या पढ़ना है। देखिए
मैंने जो विश्लेषण करते हुए पाया तो ऐसा नहीं है कि मेंस में यहाँ पर बेसिकली कट टू क्लियर है, प्री प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन प्री में क्वेश्चन आते हैं। प्री में मैंने देखा है कि प्राचीन भारत की अगर मैं बात करूं तो 2015 में एक क्वेश्चन, 16 में पांच, 17 में तीन, 18 में कोई नहीं और 19 में तीन क्वेश्चन पूछे गए। इसी तरह मध्यकालीन अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर 2015 में एक, 2016 में दो, 17-18 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 19 में चार क्वेश्चन फिर से आए। तो जरूर नहीं कि आएगा, लेकिन आता है और समटाइम चार से पांच क्वेश्चन तक भी आते हैं। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप प्राचीन और मध्यकालीन भारत को यहाँ पर कम समय में प्री ओरिएंटेड यहाँ पर आपको पढ़ना है। विश्लेषणात्मक स्थितियों को इतना ध्यान में देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर हाँ ऐसा भी नहीं कि इसे छोड़ देना है। इसलिए आप इसे 15-15 दिन का समय देकर प्राचीन और मध्यकालीन भारत को यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर समय देने की जरूरत नहीं है और प्री के समय ही इसे पढ़ना है, मेंस के समय में इसको पढ़ना भी नहीं है। मेंस के समय के कुछ टॉपिक्स, आप प्री और मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए ध्यान रखिएगा। जब आप प्री की तैयारी करने जाएंगे तो आपको प्राचीनकालीन मध्यकालीन भारत को पढ़ना है, आधुनिक भारत पढ़ना है, कलायन संस्कृति पढ़नी है। ये चार पोर्शन है जो आपको प्री के समय पढ़ना है। प्री के समय में स्वतंत्रता के पश्चात भारत और विश्व इतिहास नहीं पढ़ना है। तो दो चीजें जो प्री के हिसाब से आपको बाहर हो जाती है। जब आप इसी तरह मेंस के एग्जाम के लिए जाएंगे तो मेंस के हिसाब से फिर आपको प्राचीनकालीन और प्राचीन और मध्यकालीन भारत को नहीं पढ़ना है, बाकी के चार पोर्शन आपको वहां पर पढ़ने हैं। तो इस तरीके से आपका पढ़ने का जो तरीका होगा, प्री के एग्जाम के लिए कुछ सब टॉपिक आपको पढ़ने हैं और मेंस के एग्जाम के लिए आपको कुछ टॉपिक पढ़ने हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं तो जो कॉमन है, जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, आधुनिक भारत हो गया, ये आपको दोनों एग्जामों के लिए पढ़ना है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। और ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये आपका सिलेबस कह रहा है और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण कह रहा है। इसलिए आप भी यहाँ पर अपने पढ़ने के लिए, आपके तरीका हमेशा ऐसा रहा है कि सब कुछ एग्जाम के लिए पढ़ के जाते हैं, तो मत किया करिए। दूसरा, प्राचीन और मध्यकालीन के जो क्वेश्चन बनते भी हैं मेंस में, वो बनता है आर्ट एंड कल्चर का। वो क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछते हैं कि जैसे बताइए कि प्राचीन काल में किसी शासन काल की स्थिति को ले लिया और वहां से उन्होंने पूछ लिया कि चित्रकला की शैली का आधुनिक भारत या ब्रिटिश काल की शैली तक की स्थितियों का अवलोकन करते हुए बताया क्या सुधार हुआ। तो बेसिकली देखा गया तो वहां पर प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर का है। इसलिए जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे होंगे तो वहां पर ऑलरेडी आप प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत को आप पढ़ रहे होंगे, इसलिए आप अलग से प्राचीन और मध्यकालीन भारत को मेंस के लिए नहीं पढ़ना है। एक चीज क्लियर हो गई, हमने सिलेबस को देख लिया, सिलेबस क्या कहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से हमें ये पता चल गया क्या पढ़ना है और किस समय पढ़ना है और किस एग्जाम के लिए पढ़ना है, कितना पढ़ना है वो भी हमने देख लिया। अब दूसरी बात आती है, इसको पढ़ेंगे कहां से। तो दो तीन चीजें हैं। पहला तो आप अगर फ्रेशर्स के लिए सबसे जरूरी है कि आप एनसीईआरटी सबसे पहले लें, जो आपका बेसिक कवर करेगा। एनसीईआरटी आपको 6 से 12 तक की लेनी है। ये आप आजाद पब्लिकेशन से आप वहां पर जा सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं, यदि आपके आसपास नहीं है तो वहां से आपको मिल जाएगा। पब्लिकेशन का नंबर होता है, वेबसाइट आप जा सकते हैं, आजाद पब्लिकेशन की वेबसाइट है, वहां पर आप जा सकते हैं, वो ऑर्डर भी कर सकते हैं। बुक्स कौन कौन सी लेनी है मैंने नाम लिख दिए यहाँ पर बेसिकली, जैसे कि हर एक पार्ट कलायन संस्कृत की नितिन सिंघानिया जी की हो गई, इसी तरह आप प्राचीन भारत की ध्यान श्रीमाली की है, सतीश चंद्र की मध्यकालीन की, विपिन चंद्र की आधुनिक भारत की है, रामचंद्र गुहा की है और जो किशन चंद्र पश्चात भारत की है, दीनानाथ वर्मा जी की विश्व इतिहास की है। तो यहाँ पर सारी जो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बेसिकली एक ही पोर्शन के कई अलग अलग लेखक हैं, तो आप वहाँ पर ये भी बुक्स आपको आजाद पब्लिकेशन से मिल जाएगी, अन्यथा आप आसपास के क्षेत्रों से यहाँ पर देख सकते हैं, ले सकते हैं। तीसरा आता है करंट के पोर्शन के लिए, आपके एक मंथली कोई भी मैगजीन जो कि अच्छी हो और आपके पास अवेलेबल हो, जैसे कि आपको जो मंथली मैगजीन आती है, हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर दृष्टि की अच्छी आती है, विजन की अच्छी आती है, तो वहां पर आपको कोई जो मैगजीन जो मंथली अच्छी आ रही हो वो आप ले सकते हैं, करंट टुडे आती है, तो उसके आधार पर यहाँ पर इतिहास का जो भी पोर्शन करंट ओरिएंटेड आ रहा हो उसको आप कहीं से एक जगह नोट करते चले, ताकि वहां पर अलग से उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको साथ में वो भी तैयार हो जाएगा। तो तीन चीजें हैं, आप एनसीईआरटी सबसे पहले कवर करेंगे, फिर उसके बाद एडवांस के लिए आपके पास एक बुक होनी चाहिए हर एक टॉपिक के लिए, और एट द लास्ट यहाँ पर करंट के लिए आपको कोई भी मंथली मैगजीन वहां पर आप ले सकते हैं। ये तो हो गया आपके पढ़ने के स्रोतों के आधार, बेसिकली आपके पास वहां पर होगा। जो फ्रेशर्स हैं उनके पास अगर नहीं है वो आदत पब्लिकेशन वेबसाइट गूगल पर जाइए, वहां सर्च करिए, आदत पब्लिकेशन मिल जाएगा, उन पर जाइए, लॉग इन करिए, आप वहां पर ऑर्डर कर सकते हैं। बेसिकली लॉकडाउन की स्थिति हाल फिलहाल है तो हो सकता है आपको अभी उपलब्ध ना होने पाए, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आप तक सारी बुक वहां पर पहुंच जाएंगी, और जरूरी है कि आपको जैसा बताया जाए वैसा इसको फॉलो करना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन किस तरीके के
पूछे गए, तो मैं उसकी एक रूपरेखा आप तक प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है वो अपने आप में कई अलग अलग संदर्भित चीजों को लेकर पूछा गया है। इतिहास के जो क्वेश्चन होते हैं वो इतने प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला, तुलनात्मक विषय या समय क्या था। तुलनात्मक कहने का मतलब है कि उन्होंने मान लीजिए कि पूछ लिया कि गुप्त काल के समय में चलाए गए सिक्के और ब्रिटिश काल में चलाए गए सिक्कों से तुलना करके पूछ ली, या महिला विषय क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया कि प्राचीन समय में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, वर्तमान समय महिलाओं की स्थिति में क्या सुधार हुआ है। यहाँ पर विषय और समय आधारित, वहां पर स्थिति के आधार पर एक तुलनात्मक क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, विषयों का विभिन्न समयावधि में, जैसे कि उन्होंने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति से ज्यादा बेहतर नहीं थी, लेकिन वर्तमान समय में भी महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार की आवश्यकता है। तो विषय महिलाएं हैं, लेकिन उन्होंने कई समयकाल रखा, प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीन अलग अलग समयकालों में महिलाओं की स्थितियों के अवलोकन संबंधी कुछ। इसी तरह से शिक्षा को आधार बनाकर पूछ सकते हैं, प्राचीन काल से वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बताइए, कानून प्रविधियों के बारे में पूछ सकते हैं, प्रशासन के बारे में पूछ सकते हैं, ग्रामीण व्यवस्था के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये कुछ विषय हैं जो विषयों को आधार बनाते हैं और एक एक काल से लेकर दूसरे काल तक उनके बारे में पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन होता है व्यक्तित्व आधारित क्वेश्चन, जैसे कि राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए कार्यों को बताइए, या महात्मा गांधी के द्वारा निम्नलिखित कार्यों में से कौन उनके द्वारा नहीं किया गया था। तो इस तरह से क्या होता है, किसी न किसी व्यक्तित्व के आधार पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चौथा, घटना आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम को आधार बना लिया, असहयोग आंदोलन को आधार बना लिया, काकोरी कांड को बना लिया, जलियांवाला हत्याकांड की स्थिति को उन्होंने बना लिया। तो यहाँ पर क्या, किसी न किसी घटना को आधार बनाते हैं और उस घटना के आधार पर सारे क्वेश्चन वहां पर वो बनाते हैं। प्री में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे या मेंस में आपको रिटन के लिए वहां पर एग्जाम क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर से कैसे क्वेश्चन आएंगे, स्थान, कला, संस्कृति, विषय विशेष के आधार पर, जैसे पूछ लिया कि पर्टिकुलर किसी स्थान विशेष की कला हो गई, या फिर आपको जैसे मधुबनी पेंटिंग हो गई आपकी जो बिहार की है, या गांधार कला शैली हो गई, या फिर स्थापत्य को लेकर हम्पी का जो मंदिर है वहां पर उसकी स्थापत्य शैली कैसी है, किसके द्वारा निर्माण किया गया। तो इस तरह के विभिन्न प्रकार की स्थितियों को लेकर वो क्वेश्चन वहां पर आपसे पूछते हैं। इसके अलावा बहुआयामी और बहुविषय प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ही विषय को लेकर कई अलग अलग आयामों से वो क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि वहां पर उन्होंने पूछ लिया कि बहुविषय कहने का मतलब कि महिलाओं की स्थिति का प्राचीन भारत में संस्कृति, शिक्षा, शासन व्यवस्था में क्या योगदान रहा है, वर्णन कीजिए। तो एक ही विषय है महिला, लेकिन उसका बहुआयाम है, अर्थात महिलाओं का शिक्षा में योगदान, महिलाओं का शासन में योगदान, महिलाओं का समाज में योगदान, तो विषय अलग अलग वहां पर हो गए। तो इस तरीके से भी वहां पर वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके अलावा विश्व इतिहास के जो क्वेश्चन पूछते हैं वो वैश्विक स्तर पर समकालीन स्थितियों का अवलोकन करते हुए पूछा जाता है, किसी घटना को समय विशेष के आधार पर, जैसे कि अमेरिकी सरकार की क्रांति हो गई, ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्रांतियों पर आधारित, जैसे अमेरिकी क्रांति के बारे में बताइए, या फिर आपको रशी रूसी क्रांति के बारे में बताइए। तो यहाँ पर इसी तरह के कोई क्वेश्चन है, या फिर कोई युद्ध या घटना है, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध की घटना हो गई, जर्मनी का आधार हो गया, वहां पर क्या क्या उस पर वर्षाई की संधि हो गई। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन वहां पर किसी स्थिति, घटना, युद्ध या विभिन्न समयकालों का समायोजन, इस तरीके से क्वेश्चन आपको विश्व इतिहास में पूछे जाते हैं। तो जो मैंने विश्लेषण करके पाया कि विश्व इतिहास हो या फिर आपका कलायम संस्कृति या आधुनिक भारत हो, वहां पर क्वेश्चन पूछने के ये तरीके हैं। तुलनात्मक विषय हो गए, तुलनात्मक समय हो गया, व्यक्तित्व हो गए, घटनाएं हो गई, स्थान, कला, संस्कृति हो गई, बहुआयामी विषय हो गए, या फिर वैश्विक समकालीन स्थितियों का परिचय से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो हमने देखा कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए, किस विषय से पूछे गए, और कैसे आपको पढ़ना है, प्री के समय में कौन सा पढ़ना है, और मेंस के समय में कैसे पढ़ना है, स्रोत क्या होंगे। अब बात ऐसा लास्ट आती है कि आप इसको पढ़ेंगे कैसे। सबसे जरूरी पहलू, रणनीतिक स्तर पर आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। देखिए अगर आपको जीएस यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं हिस्ट्री सिर्फ सामान्य अध्ययन के संदर्भ से बताने जा रहा हूं, पढ़ने की रणनीति यहां पर जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनके लिए ये नहीं है। तो सबसे पहले यदि आप हिस्ट्री का अध्ययन करने जा रहे हैं तो आपके पढ़ने की जो रणनीति होगी, दो चीजों का ध्यान रखिएगा, विषय एवं समय का। हिस्ट्री सिर्फ इसी पर आधारित है, समय आधारित है और किसी न किसी विषय से जुड़ी हुई है। तो विषय एवं समय काल का विभाजन आधारित अध्ययन करना है। कैसे करना है उसके मैंने आपको कुछ एग्जांपल दी, जैसे
मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं, प्राचीन भारत आपको पढ़ते हैं, प्राचीन भारत में आपने किसी सिक्के को लेकर पढ़ना शुरू किया या स्थापत्य को लेकर पढ़ना शुरू किया, तो स्थापत्य को आप पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर प्राचीन काल में स्थापत्य को लेकर विभिन्न समय कालों में, अर्थात कह सकते हैं प्राचीन भारत में स्थापत्य कैसा था, प्राचीन भारत में स्थापत्य के दो अलग विषय हो सकते हैं, उसमें में भी आपको हो सकता है गुप्त काल का हो गया, मौर्य काल का हो गया, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का हो गया, उसके बाद फिर आपने मुगल काल में आए तो वहां पे सल्तनत का हो गया, मुगल कालीन हो गया, फिर आप ब्रिटिश काल में आए आधुनिक भारत में हो गया, तो वहां पर विभिन्न स्थापत्य कला शैलियों सिक्के को स्थिति को लेकर आपको ऐसे पढ़ना है। अध्ययन करते समय आप ऐसे मत पढ़िएगा कि गुप्त काल पढ़ना शुरू किया तो गुप्त काल के बारे में आपने पढ़ा, पहले सिक्के पढ़ लिए, फिर प्रशासन पढ़ लिया, फिर उनकी सामाजिक व्यवस्था पढ़ ली, फिर आप इसी तरह से मौर्य काल में जाते हैं या फिर उसके बाद जो भी है चाहे क्रम कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है, हिस्ट्री स्टार्ट करनी है, एक विषय को आधार बनाना और उस विषय को शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट करना। इससे क्या होता है, माइंड में एक जो होती है स्ट्रक्चर बन जाती है, सिक्के के बारे में आपके पास संपूर्ण जानकारी होगी, आपको पता है कि सिक्के कब किसने चलाए, किसने कब कौन से सिक्के में परिवर्तन लेके आए, किसके समय में क्या स्थिति कारण परिवर्तन है और लास्ट में वहां पर क्या चीजें चल रही थी, इससे आपको वहां पर एक पूरी की पूरी चेन बन जाती है। अन्यथा की स्थिति में यदि आपने यहाँ पर मौर्यों के बाद मौर्यों के समय या फिर हड़प्पा के समय में सिक्कों को पढ़ा, उसकी सामाजिक व्यवस्था पढ़ी, आर्थिक व्यवस्था पढ़ी, साथ ही वहां पर शासन व्यवस्था पढ़ी, उसके बाद जब तक आप मौर्य काल में हो सकता है या ब्रिटिशों के समय में आए, तब तक हो सकता है कि आपको हड़प्पा सभ्यता की स्थिति के संबंध में सारी जानकारी कुछ कुछ वहां पर भूल जाए या सिक्कों के बारे में सारी जानकारी आपके पास प्रस्तुत न रहे। तो इस स्थिति से बचने के लिए एक टॉपिक को पूरी तरह जब तक टिक न हो जाए वहां पर छोड़ना है। एक टॉपिक उठाइए, सिक्के को पकड़ा हमने, प्राचीन भारत से पढ़ना शुरू किया, आधुनिक भारत तक लेकर आए, खत्म हुआ। फिर इस तरह से हमने शासन व्यवस्था को पकड़ा प्राचीन काल से आधुनिक भारत, फिर इसी तरह महिला को पकड़ा प्राचीन भारत से आधुनिक भारत, शिक्षा शासन व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था सबको ऐसे ही पढ़ना है। तो हिस्ट्री क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन पढ़ना है इसलिए आपको तुलनात्मक तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपको तुलनात्मक तरीके का पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, तो यहाँ पर महिला के विषय हो गए कि आपको विभिन्न समय कालों में चित्रकला हो गई या कला से संस्कृत हो गई, तो प्राचीन गुप्त के समय में या फिर मौर्यों के समय में या फिर जिनको भी आधुनिक भारत में वृक्षों के समय में कह लिए ऐसे आपको पढ़ना है। तो महिलाएं हो गई, विषय हो गए, यहाँ पर हमने देखिए विषय हो गया, समय काल हो गया। दूसरा होता है यहाँ पर आंदोलन से लेकर, वहां पर उन्होंने सीधा सीधा बोला कि स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो भी आंदोलन हुए होंगे तो उनसे क्वेश्चन। तीसरा यहाँ पर आपको आधार बनाना है, आपको आंदोलन का एक विषय उठाना है, और जब से यहाँ पर विभिन्न समय कालों में जो भी आंदोलन बेसिकली सारा कुछ आपका आधुनिक भारत में है, तो 17वीं सदी के पश्चात से सॉरी 18वीं सदी के मध्य से है, तो 18वीं सदी के मध्य से वर्तमान समय तक आधुनिक भारत 1947 तक की स्थिति में जो भी आंदोलन हुए हैं उनको आप एक साथ वहां पर खत्म करेंगे, अर्थात क्रमिक अध्ययन करेंगे, आंदोलनों को अलग अलग नहीं पढ़ेंगे वहां पर, बल्कि एक साथ आंदोलन को पढ़ेंगे, क्रमवार पढ़ेंगे और उसे लास्ट तक लेकर जाएंगे। इससे क्या होगा, विभिन्न आंदोलनों की क्रमिक रूपरेखा पता चलेगी, विभिन्न समय कालों में क्या क्या हुआ, किन किन क्षेत्रों में हुआ, किस तरीके से जुड़ रहे हैं और उनको आपको जोड़ने में भी आसानी वहां पर हो पाएगी। इस तरीके से आंदोलन का फिर एक टॉपिक उठाइए और वहां पर उसको 18वीं सदी के मध्य से वर्तमान समय तक आंदोलन का क्रमिक अध्ययन करना है। इसके बाद व्यक्तित्व आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको 18वीं सदी से लेकर के मध्य से लेकर वर्तमान समय तक के जो प्रमुख व्यक्तित्व में हैं, फिर उनका एक चैप्टर उठाइए और सिर्फ उनके बारे में पढ़िए, जैसे कि आपका राजा राम मोहन राय हो गए, फिर आपके महात्मा गांधी तक, नेहरू तक की जो स्थितियां हैं उनकी भी जो जो भी आए हैं, जो भी सामाजिक सुधार हुए हैं या जो भी कह सकते हैं कि समाज सुधारक हुए हैं या आपके नेताएं हुए हैं या फिर स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी जो भी हैं जिन्होंने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं, तो चाहे चंद्रशेखर आजाद हो कोई भी अन्य हो, तो जो इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर उनको आधार बनाइए, एक समाज सुधारकों का, एक स्वतंत्रता सेनानियों का, एक वैश्विक जो होते हैं भारतीय नेताओं का, और उसके आधार पर उनका वहां पर आप अध्ययन करिए और उनको वहां पर कंप्लीट करें। इसके बाद कुछ कानून जैसे चार्टर से लेकर कई बार क्वेश्चन पड़ता है, विभिन्न समय काल में जो भी कानून व्यवस्था संचालन जो भी चीजें हैं जिसके माध्यम से भारतीय इतिहास में परिवर्तन हुए, चीजों का निर्माण हुआ, विधानसभाएं बनी और चुनाव इत्यादि हुए, कानून को लागू करना हुआ, भारतीय को प्रतिनिधित्व देना हुआ, वो सब चार्टरों में ही नहीं है। तो आप एक बार क्या करेंगे, चार्टर को उठाएंगे उसको लेकर पढ़ेंगे, इन चार्टरों में भी कई विषय हो सकते हैं, महिलाओं को लेकर अलग हो सकता है तो महिला का विषय हमने अलग बना लिया, फिर इसी तरह से हमने शिक्षा के संबंधित हो सकता है तो शिक्षा संबंधित हमने अलग बना लिया, फिर इसी तरह से विधान परिषद या चुनाव को लेकर हो गया उसका एक अलग पोर्शन बनाएंगे, तो चार्टर में भी हम विषय बनाकर फिर उनका वहां पर क्रमिक अध्ययन करेंगे। इस तरीके से यदि आप हिस्ट्री पढ़ते हैं अर्थात तुलनात्मक एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हैं, तो हिस्ट्री आपको बहुत कम समय में
बहुत अच्छे तरीके से समाप्त हो जाएगा और यहाँ पर ना सिर्फ प्री के हिसाब से बल्कि मेंस के हिसाब से बहुत आसान हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें इसी तरीके से फंसाया जाता है। गुप्तकाल से उन्होंने चित्रकला का कोई क्वेश्चन उठाया, एक उन्होंने गुप्तकाल का पॉइंट दे दिया, एक उन्होंने हड़प्पा का दे दिया, एक उन्होंने आधुनिक भारत का दे दिया, और हमने क्या किया, उनको एक साथ कभी पढ़ाया नहीं था, हमने उन्हें अलग अलग समय में पढ़ा था, तो वहां पर भ्रमित हो जाती है स्थितियां, चीजें क्लियर नहीं होती है। यदि हम उनका तुलनात्मक अध्ययन करके पढ़ते हैं तो उनकी चीजें ज्यादा क्लियर रहती है कि किसमें क्या विशेषता थी और कौन क्या किससे अलग रहा है। इसलिए मैं कहूंगा कि जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें, आप आज तक जो करते आए हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं जो कि गलती नहीं करना चाहते, एक्सपीरियंस लोग ऑलरेडी भी गलती कर चुके होते हैं, तो आप हिस्ट्री पढ़ने के इस तरीके को अपनाइएगा। सामान्यतः के लिए आपके पढ़ने की शैली परिवर्तित हो जाएगी, आपके पढ़ने का तरीका बदल जाएगा और आपका कम समय में आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी विभिन्न विषयों आधार, विभिन्न तुलनात्मक स्थितियों के आधार पर। इसलिए मेरा ये पढ़ने का, मैं कहूंगा इतिहास के गाइडेंस प्रोग्राम में जो कि विषय वस्तु है, जो कि क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके क्वेश्चन के तरीके किस तरीके पूछे गए हैं, उस आधार पर आपके जीएस पढ़ने की ये रणनीति होनी चाहिए। अन्यथा किस्ते में हिस्ट्री अपने आप में बहुत लेंथी टॉपिक है और आप गलत रणनीति से जाएंगे तो आप हिस्ट्री के ज्यादातर क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा हिस्ट्री को कंप्लीट करने में। यदि आपको कम समय में बहुत अच्छे से कट टू क्लियर यहाँ पर हिस्ट्री के सब्जेक्ट को निकालना है, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो आप इस रणनीति को अपना सकते हैं। प्री और मेंस का जो टाइम मैनेजमेंट है, मैंने पहले भी कहा गया, टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत प्री के हिसाब से आपको चार सब्जेक्ट लेने हैं, कलाम संस्कृत, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत। प्राचीन मध्यकालीन में प्री के हिसाब से पढ़ना है, फिर आप मेंस के हिसाब से जाएंगे तो मेंस में वहां पर फिर आपको प्राचीन और मध्यकालीन भारत को ड्रॉप कर देना है, वो सिर्फ आपको कलाम संस्कृत के आधार पर प्राचीन से मध्यकालीन आधुनिक भारत तक पढ़ना है। दूसरा वहां पर आधुनिक भारत पढ़ना है, आधुनिक भारत में भी दो पार्ट है, 18वीं सदी से वर्तमान समय तक की स्थिति में, दूसरा स्वतंत्रता संग्राम की स्थिति को लेकर। उसके बाद आपको यहाँ पर तीसरा जो पार्ट आता है स्वतंत्रता के पश्चात का भारत आता है, जो कि काफी कम समय लेता है, एक हफ्ते का काफी है। उसके बाद आता है विश्व इतिहास आता है, विश्व इतिहास भी अपने आप में एक बड़ा पोर्शन है जो मे भी शायद आपका 3 हफ्ते या 4 हफ्ते ले सकता है उसके। तो अगर हम बात करें हिस्ट्री में अपने आप में, तो इतने कम समय में आपको अगर मेंस की तैयारी करनी है, एक काम आपको और करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स भी आप ऐसे आधार पर बनाएंगे जैसा मैंने कहा है, एक ग्राफिंग के थ्रू बनाइएगा। क्राफ्ट लीजिए, महिला का विषय उठाया, उससे संबंधित शुरू से लास्ट तक के सारे पॉइंट हमने लिख लिए, विभिन्न समयकालों के साथ समायोजित करते हुए लिख लिए। तो वहां पर जब आप इस तरीके से ग्राफिंग करके कम शब्दों में सारी जानकारी एक जगह एकत्रित कर लेंगे, तो जब रिवीजन का टाइम आएगा मेंस की तैयारी के समय में, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, आप बहुत कम समय में आप हिस्ट्री की बहुत अच्छी जानकारी बहुत अच्छा वहां पर अटेंड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आज के लिए हमने गाइडेंस इतिहास का विषय देख रहे हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो भारतीय समाज से संबंधित होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट विषय को लेकर। आप लोग यहाँ पर जुड़े रहिए, आपकी समस्याओं का पूरा समाधान किया जाएगा। मेंस एंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत हम इन सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे जो पिछले 5 साल में आए हैं, उसके साथ साथ उसके नेक्स्ट स्टेप में फिर हम कुछ मॉडल क्वेश्चन के रूप में करंट से संबंधित भी लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।